हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे हेलोवेलकेंस और हेलोवेरिन की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.7 से 10.10 तक सॉल्व करने वाले। सबसे पहले हमारे पास है 10.7 क्वेश्चन आपके पास। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन आयोडोब्यूटेन फ्रॉम वन ब्यूटेनॉल, वन क्लोरोब्यूटेन और ब्यूट वन ए। आपको वन आयोडोब्यूटेन की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पर वन ब्यूटेनॉल से कन्वर्ट करना है आपको वन आयोडोब्यूटेन। तो वन ब्यूटेनॉल आपके पास है CH3CH2CH2CH2OH। तो अभी आपके पास अल्कोहल है, आपको यहाँ पर चाहिए आयोडीन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आयोडीनेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर फॉस्फोरस प्लस आई टू से कराएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका वन आयोडो ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ रखना कि जब आपका आयोडीनेशन होता है साथ में आपका फॉस्फोरस भी ऐड होगा। फॉस्फोरस के साथ जब आप आई टू को रिएक्ट कराओगे तब आपका यहाँ पर आयोडीनेशन होगा, जबकि क्लोरिन और ब्रोमिन में आपका ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा सेकंड आपके पास है यहाँ पर वन क्लोरोब्यूटेन, इसको कन्वर्ट करना है वन आयोडो ब्यूटेन में। तो वन क्लोरोब्यूटेन आपके पास है, ये है CH3CH2CH2CH2Cl। तो अभी आपके पास क्लोरीन है, यहाँ आपके पास आयोडीन है, तो आपके पास यहाँ हेलोजन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स आपका यहाँ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन लगेगी। ठीक है, तो हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता था, पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या आप करा सकते हो सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कौन सी रिएक्शन आपकी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर CH3CH2CH2 और वन आयोडोब्यूटेन। वो फाइनल आपके पास ब्यूट वन इन से कन्वर्ट करना है आपको वन आयोडोब्यूटेन। तो ब्यूट वन इन के आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अभी आपके पास डबल बॉन्ड है, आपको यहाँ पर हेलोजन चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें लगाएंगे यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनी और रूल। एंटी मार्कोनी क्यों लगा रखा, क्योंकि आपके पास वन आयोडो दिया है। दैट मीन्स आपका जो हेलोजन अटैच होगा वो आपका यहाँ पर पहले पोजीशन पर होना चाहिए। तो ये अगर मैं यहाँ आपका HBr से रिएक्ट कराऊँ, ये आपकी एंटी मार्कोनी और रूल है, तो CH3CH2CH2CH2Br होगा, क्योंकि आपका नेगेटिव पार्ट कहा जाना चाहिए जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है जो आपके डबल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, फिर क्या होगा, आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तब आपका बनेगा CH3CH2CH2CH2 और आई, दैट इज वन आयोडो ब्यूटेन। 10.8 के आपके पास यहाँ पर वाटर एम्बिटेंटेड न्यूक्लियोफाइल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एम्बिटेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, ये आपका न्यूक्लियोफाइल्स विच कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट साइट आर कॉल्ड एम्बिटेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, वो आपके न्यूक्लियोफाइल जो आपके दो अलग अलग साइट से आपके अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका साइनाइड की बात करूँ, तो साइनाइड आयन आपका यहाँ पर दो डिफरेंट साइड से अटैक कर सकता है, एक आपका कार्बन से भी अटैक कर सकता है, एक आपका नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, तो इसका आपका रेजोनेंस हाइब्रिड रहता है, तो दोनों साइड से आपका अटैक कर सकता है। लेकिन वैसे आपका नॉर्मली कार्बन कार्बन से अटैक करता है, क्योंकि आपका यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा, जो आपका एक स्टेबल बॉन्ड होता है, देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो एम्बिटेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं आपके, वो न्यूक्लियोफाइल्स जो आपके दोनों दोनों साइड से आपके अटैक कर सकते हैं। 10.9 के आपके पास यहाँ पर विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन एसन टू रिएक्शन विद OH नेगेटिव। इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड जो आपके एसन टू रिएक्शन से फास्ट रिएक्ट करेंगे विद OH नेगेटिव। सबसे पहले आपके पास है CH3Br और CH3I, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। तो SN2 रिएक्शन से कौन फास्ट रिएक्ट करेंगे OH नेगेटिव के साथ। हमें पता है यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है आपके अल्कली लाइट का क्या होता है, RCl, RBr और RI, ऐसा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर जाता है। अल्काइल आयोडाइड आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देयरफॉर यहाँ का मिथाइल आयोडाइड SN2 रिएक्शन से इजिली रिएक्ट करेगा विद OH नेगेटिव। सेकेंड आपने बोला है CH3 होल थ्राइस CCl और CH3Cl, इसको आप देखोगे तो ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। तो आपके जो एस एन टू रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो आपका जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो CH3Cl आपका यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव होगा एस एन टू रिएक्शन में विथ OH नेगेटिव। 10.10 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन आपके पास है प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीज दैट वुड बी फॉर्म बाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विथ सोडियम इथोऑक्साइड इन एथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्की। ठीक है, आपको यहाँ एल्कीन बताने हैं जिसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है। कंपाउंड आपको दे रखा है, सबसे पहला आपके पास है वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो साइक्लोहेक्सेन आपके पास है
फर्स्ट पोजीशन में ब्रोमीन और फर्स्ट पोजीशन में आपका मिथाइल है। इसका आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है आपके यहाँ पर, सोडियम इथोक्साइड NOC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल होता है, HX का आपका यहाँ पर रिमूवल होगा जहाँ X आपका हैलाइड होगा, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे यहाँ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, अगर आप ध्यान से देखो ये आपका यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये आपका ब्रोमीन है तो इसमें आपका ये जो होगा ये आपका अल्फा कार्बन होगा, ये वाला आपका बीटा कार्बन होगा, ये भी आपका यहाँ पर बीटा कार्बन होगा। बीटा कार्बन से आपके दो हाइड्रोजन अटैच होंगे, यहाँ भी बीटा कार्बन से आपके दो हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो ये बीटा कार्बन, तो इसे हम कह सकते हैं ये आपके यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसका आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा आपका, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि आप दोनों आपके यहाँ पर सेम हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन आपके यहाँ पर भी है, दो हाइड्रोजन आपके यहाँ पर भी है, तो या तो क्या हो सकता है आपका रिमूवल हो सकता है कुछ ऐसा, ये बॉन्ड आपको यहाँ शिफ्ट होगा और BR आपका यहाँ रिमूव होगा, तो HBr रिमूव हो गया, ठीक है। या तो क्या हो सकता है आपका, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। दोनों जो हो गए आपके, दोनों स्टेप में आपका सेम ही कंपाउंड बनेगा, देयरफॉर हम कोई भी आपका स्टेप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर सिंगल ही कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपका ऊपर वाला स्टेप करूँ, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये आपका यहाँ पर रिमूव हो रहा है, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा आपका, 1-methylcyclohexene, ठीक है। अगर मैं आपका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करूँ और इसको यहाँ से रिमूव करूँ, तब क्या बनेगा आपका, ये चीज़ इस वक्त भी ऐसी हो रहा है आपका, सॉरी ये नहीं बनेगा आपका, यहाँ बॉन्ड आएगा तो उस वक्त क्या होगा आपका, 1-methylcyclohexene ही बनेगा। तो आप चाहे तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करो या यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करो, आपका सेम ही होगा, क्योंकि आपके सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपके यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, तो पहला आपका ये था, तो ये आपका यहाँ पर कंपाउंड बनेगा, जो एल्कीन बनेगा आपका ये फॉर्म होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास सेकंड जो आपके पास दे रखा है वो है 2-chloro-2-methyl-butane, इसका आपको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना है। तो 1-2-3-4 ब्यूटेन में सेकंड पोजीशन में क्लोरीन है और सेकंड पोजीशन में आपका मिथाइल है, ठीक है। तो ये आपका CH3 ऐसी रहेगा, ये आपका CH2 है और ये आपका यहाँ पर CH3 है। इसका रिएक्शन हो रही है आपके सोडियम इथोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, तो देखो क्या है आपके पास, यहाँ क्लोरीन है, हैलोजन है, तो ये कौन सा कार्बन होगा, अल्फा वाला कार्बन होगा, ठीक है। ये कौन सा कार्बन होगा आपका, बीटा वाला कार्बन होगा। ये कौन सा कार्बन होगा आपका, बीटा वाला कार्बन होगा। ये भी कौन सा कार्बन होगा आपका, बीटा वाला कार्बन होगा। तो हमें दिख रहा है आपके यहाँ पर कि हमारे दो यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ बीटा कार्बन है, ठीक है। कौन कौन से, ये तो आपका सेम है, CH3 और CH3 सेम सेट है, ये आपका यहाँ पर डिफरेंट है, CH2 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से अगर आप रिमूव करो हाइड्रोजन को और यहाँ से रिमूव करो हाइड्रोजन को, तो आपका कंपाउंड सेम बनेगा, ठीक है। तो मींस आपके पास दो कंपाउंड बनेंगे अगर आप, क्योंकि आपके यहाँ दो डिफरेंट सेट ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। अगर हम इसको हटाएं यहाँ से, अगर आप देखो यहाँ पर ये आपका CH3 है, इसको मैं लिख रहा हूँ आपका CH2H करके, तो क्या होगा आपका, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ रिमूव होगा, ठीक है। अगर आपका ऐसा हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये रिमूव हो रहा है, तब क्या बनेगा आपका कंपाउंड यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 और CH3, ये चीज़ आपकी बन रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से करूँ, अगर इसको मैं लिखूँ आपका CH2 और H, ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर आपका शिफ्ट करूँ और इसको यहाँ से रिमूव करूँ, तब भी आपका क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 और CH3, मतलब दोनों कंपाउंड आपके यहाँ पर सेम है, ठीक है। दोनों कंपाउंड आपके सेम होंगे, ये तो आपका एक कंपाउंड है, तो डेट मीन्स आपका यहाँ पर आप चाहे ये करो या आप ये चीज़ करो यहाँ पर, ठीक है। दोनों में से आपको कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सेकंड वाला क्या, आपके पास जो कंपाउंड बनेगा यहाँ आपके पास दूसरे वाला जो बीटा के सेट है, उसमें क्या होगा आपका, इसको अगर मैं ऐसे करूँ CH और ऐसे करके लिखूँ, तो क्या होगा आपका, ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ से शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ से शिफ्ट होगा। तो सेकंड वाला जो होगा क्या बनेगा आपका, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। पहला कंपाउंड आपका ये होगा, सेकंड कंपाउंड आपका ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, दो आपके डिफरेंट सेट बने, आपको बताने मेजर कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो हम कैसे बताएंगे, सेटजर रूल से। सेटजर में क्या होता था आपका, कि कौन जो भी आपके डबल बॉन्ड डबली सब्सिट्यूटेड होंगे, जो आपके यहाँ पर एल्किन ज़्यादा सब्सिट्यूटेड होंगे, वो आपका वहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दोनों में से आपका ज़्यादा सब्सिट्यूटेड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसमें आपके ज़्यादा कार्बन है डबल बॉन्ड के किनारे, देयरफॉर आपका ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा,
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास थर्ड कह रहा है आपसे यहाँ पर थ्री ब्रोमो टू टू थ्री ट्राईमिथाइल पेंटेन, ये चीज़ है पेंटेन बोला है, तो वन टू थ्री फोर फाइव आपका ऐसे ही आ गया, ये आपका यहाँ पर सी एस थ्री होगा, सी एस थ्री सेकेंड पोजिशन पे, थर्ड पोजिशन पे एक और मिथाइल होगा और साथ में ब्रोमीन आपका यहाँ पर लगा है, ठीक है, सी एच टू और सी एच थ्री। तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका यहाँ पर बीटा कार्बन होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बीटा कार्बन, ये तो इसमें कोई हाइड्रोजन है नहीं, क्या ठीक है। तो इसमें भी आपके दो कंपाउंड बन सकते हैं, कौन से बनेंगे, एक तो आपके दो डिफरेंट सेटअप है, एक आपका सी एच थ्री है, आपका सी एच टू है, तो इसको मैं कर सकता हूँ आपका ऐसा कुछ, या आपका यहाँ ये तो ये रिमूव हो सकता है, या तो क्या हो सकता है आपका इसको हम सी एच ऐसे खोले तो ये आपका ऐसे रिमूव हो सकता है, तो दो आपके डिफरेंट सेट यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, सी एच थ्री, सी एच सी डबल बॉन्ड, सी एच टू, सी एच टू और सी एच थ्री, एक तो आपका ये, ठीक है, एक और कौन सा कंपाउंड बनेगा आपका, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री, जब आपका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और बी आर आपका एच बी आर आपका यहाँ पर रिमूव हो गया, ठीक है, हमें यहाँ पर एच बी आर का रिमूवल करना है, और जो हाइड्रोजन रिमूवल होगा वो आपका बीटा एलिमिनेशन, बीटा वाले हाइड्रोजन का होगा, दैट मीन्स आपका बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, दो आपके कंपाउंड यहाँ पर बन रहे, और जो मेजर कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये आपका ज़्यादा सब्सटीट्यूट है, ठीक है, जो आपका डबल बॉन्ड है उसका ज़्यादा सब्सटीट्यूट है, देयरफॉर ये आपका यहाँ पर मोर स्टेबल होगा, तो देयरफॉर मेजर प्रोडक्ट जो होगा आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 10.7 से 10.10। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।